राम राम जी। 12 तारीख को इलेक्शन है हरियाणा में, दो सवाल आपके मन में जरूर होंगे। पहला सवाल ये कि हमें वोट देना है या नहीं देना है। तो मेरे भाई, आपको वोट देना है क्योंकि आपके वोट में इतनी ताकत है कि ये राजनीति के समीकरण चेंज कर सकता है, किसी गलत आदमी को हरा सकता है और सही आदमी को आपका वोट जिता सकता है। तो आपकी जिम्मेवारी है ये कि आप देश के लिए एक अच्छे नेता को बाहर लेके आए, और वो तब होगा जब आप वोट डालोगे। दूसरा ये कि यदि आप चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद में आप सरकार से सवाल पूछ सको कि भाई सरकार वालों ने किया क्या है, हमारे नेता ने किया क्या है, यदि आप ये चाहते हैं तो आपको वोट करना जरूरी है, क्योंकि आपका हक तभी है यदि आप वोट डालकर किसी नेता को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं। ठीक है, इसलिए वोट जरूर करना है। और ये बात आपको अपने सभी रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को, अपने फ्रेंड को जरूर बतानी है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, हमने ये तय कर लिया कि हम वोट जरूर डालेंगे, वोट किस पार्टी को देंगे भाई? लाइन लगी पड़ी है नेताओं की, पार्टियों की। ठीक है, तो यहां आपका सोचना जायज है, क्योंकि आप कोई टीवी चैनल का पैक नहीं खरीद रहे हैं जो महीने दो महीने बाद हम चेंज कर पाएंगे। यहां हम 5 साल के लिए एक नेता चुन रहे हैं जिसके हाथ में हम अपने एरिया की कमान संभालेंगे, अपने देश को उस नेता के हाथों में दे देंगे। इसलिए आपका सोचना बिल्कुल जायज है, और आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या आप जिसे वोट कर रहे हैं, क्या वो उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो देश को टॉप पे लेके जा सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, आपका जो भविष्य है उसको और सवार सकता है। इसलिए आपको सोचना जरूरी है। यहां आपको राहुल गांधी या मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, आप एमपी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है आप जिस एमपी भावी प्रत्याशी को या भावी एमपी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उसकी छवि साफ सुथरी है, क्या उसका व्यवहार बढ़िया है, क्या वो जीतने के बाद आपसे मिलने आएगा या नहीं आएगा आपके गांव में, और दोस्तों उसका रिकॉर्ड कैसा है, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और यदि वो पहले भी राजनीति में रहा है तो उसने उस समय क्या किया है, उसने क्या वायदे किए थे, क्या उसने वायदे पूरे किए थे या नहीं किए थे, आपके गांव में काम किया नहीं किया, आपके देश के बारे में उसने कुछ बढ़िया कदम उठाए थे या नहीं उठाए थे, ये चीज आपको सोचनी चाहिए। और दोस्तों आप भावुक होकर इस बार वोट मत दीजिएगा आपका, क्योंकि आपका जो वोट जा रहा है, आप जिस नेता को जिता रहे हैं, आपको क्या वो आपकी आवाज बुलंद कर पाएगा संसद में, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप अपनी आवाज भेज रहे हैं संसद में। ऐरा गैरा नथु गैरा को आप वोट देकर अपने वोट को खराब मत कीजिएगा, सही आदमी को चुनिए। और दोस्तों ये जरूर सोचिए कि आप जिसे वोट दे रहे हैं क्या वो आपके वोट के लायक है या नहीं है, क्योंकि आपके वोट की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, और आप कीमती चीज को ऐसे ही किसी आदमी को दे दो तो वो शायद गलत निर्णय होगा। इसलिए आपको देखना है कि आपका एमपी कैसा है, क्या वो आगे कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या वो आपके लिए रोजगार पैदा कर पाएगा, क्या वो आपके गांव की काम करवा पाएगा, या क्या वो देश के हित में सोच पाएगा, आपको ये सारी चीजें सोचनी है, उसके बाद ही आपको वोट करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको वोट करना जरूरी है, किस पार्टी को करना है, आपको कुछ चीजें सोच के ही आपको वोट दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप अपडेट करें कि उन्हें वोट देना जरूरी है, आप अपने बुजुर्गों को इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि आप जो आज कर रहे हैं वो आपका 5 साल का भविष्य होगा। ठीक है, इसलिए सोच समझकर वोट जरूर करें। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।